गुरुदेव साईं मंदिर जाते हैं, मैं और मेरी पत्नी दोनों, बच्चे भी जाते हैं। धन्य हो। साईं, ये साईं कहाँ से? एक बात बताओ जी, हम किसी के विरोधी नहीं, हम ये सवाल करते हैं जी, आप लोगों के पास 5 खेत जी या 25 खेत, 25 खेतों में मटर लगी जी गुरुदेव, 25 खेतों में मटर लगी है, उसके बाद आप पड़ोसी के खेत की मटर चुनने जाते हैं जी, तो ये गलत है कि नहीं बताएं? बिल्कुल गलत है गुरुदेव जी। जब हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता है, और वो भी ऐसे जी देवताओं की छोड़ो, आप सबको एक आपके आंख खोल लें, कान खोल लें, भगवान शंकर की जब बारात गई जी, तो भगवान शंकर की बारात गई तो सारे देवी देवता ग्रह सब भक्त उत्तर दिशा में पहुंच गए भगवान की बारात में जी, पृथ्वी डावा डोल होने लगी, सबने जाकर भगवान शंकर से कहा कि प्रभु आप तो दूल्हा बने हो, पृथ्वी डावा डोल हो रही। उनने कहा सिर्फ अगस्त मुनि को बुलाओ जी, और अगस्त मुनि से कह दो कि महादेव ने कहा है कि दक्षिण भारत में जाकर खड़े हो जाएं जी, गौर से सुनना, सिर्फ अगस्त मुनि से कहा कि दक्षिण भारत में जाकर खड़े हो जाएं, तो उत्तर में जितने सब आ चुके हैं इन सब का बैलेंस सिर्फ अगस्त मुनि संभाल लेंगे। ये हो गई बात अगस्त मुनि की जी गुरुदेव, नहीं समझे जी, ये एक साधु की बात कर रहे हैं हमारे हिंदू धर्म की जी गुरुदेव, और हमारे हिंदू धर्म की अगस्त जी की पूजन कौन करता है हिंदू धर्म में, बताओ जरा? नहीं करता। करता है कोई? नहीं करता। दधीची ने नमक डलवा के गाय से अपनी हड्डियां चटवा दी, उनकी पूजन करते हो आप? नहीं करते। बताओ? नहीं करते गुरुदेव। छोटे छोटे चमत्कार जहां होते हैं वहीं सिर टेक देते हो, समझ में नहीं आती, उसके बाद कहते हो मेरे बच्चे बुद्धिमान नहीं है, कहां से होंगे? सही बात। बताओ, तुम जब किसी के यहाँ बिक जाते हो बुरा मत मानना। नहीं नहीं बिल्कुल सर, बिकने का मतलब हम किसी के यहाँ भी शरणागत हो जाते हैं, किसी के भी हम पैर छू लेते हैं, किसी को भी हम गुरु मान लेते हैं बिना बिचारे, उसके बाद कहते हैं गुरुदेव बड़ी समस्या है, मेरा बेटा बुद्धिमान नहीं है। हम कहते हैं भैया चिंता न करो, तुम्हारा ही बेटा समझदार को सारा काफी, जब तुम ऐसे हो तो वो कैसे होंगे? बिल्कुल। तो ये तो हो गई एक साधु की बात जी गुरुदेव, ठीक। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता कौन? हनुमान जी। रिद्धि सिद्धि के पति कौन? गणेश जी। जी दुर्गा जी क्या हैं, सीता जी क्या हैं, राधा जी क्या हैं, लक्ष्मी जी क्या हैं, हमारे भगवान हमको क्या नहीं दे सकते? कमी है तो हम में जी, भगवान में नहीं जी। उसके बाद हम किसी अन्यत्र जगह पर जाकर माथा टेकते हैं जी, तो सच बात तो यह है, बुरा मत मानना विश्वकर्मा जी जी, सच बात यह है, बिल्कुल कड़वी सच्चाई, कोई इसको बुरा मत मानना, अगर किसी ने हमारे धर्म को लजाया है तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, पड़ोसी नहीं। बिल्कुल जी। सही बात, बिल्कुल सही है। आप सबसे हम पूछना चाहते हैं कि जो लोहा है, लोहा अपने भार के कारण डूबता है, लोहा के डूबने में किसी पड़ोसी की या किसी अन्य व्यक्ति की गलती नहीं होती, क्योंकि वजन बढ़ जाता है ना गुरुदेव, हमारी गलती है, लोहा अपने भार के कारण डूब रहा जी, तो गलती हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। हम खुद किसी के यहाँ मत्था टेकने जा रहे हैं, लोग कहते हैं, अब जब हम गलतियां करेंगे तो हम अपने बच्चों को, आने वाले समाज को, पीढ़ी को क्या शिक्षा देंगे? तो अगर हमारे भगवान जी या भगवती कुछ देने में सक्षम ना हो, अरे दूसरे की छोड़ दो यार, तुम हमसे मिल लो, हम एक महीना में कायाकल्प कर दें, एक महीना में तुम्हारे आपकी शरणागत है गुरुदेव, ये तो बंद कर दिया, मैंने बीबी से भी कहा था कि हम बंद कर देंगे, तो उन्होंने कहा था कि पहले आप गुरुदेव के पास चले जाओ और जैसा गुरुदेव आदेश करेंगे। हम अपनी बात, हम बिल्कुल छोटे से सेवक जी, हम अपनी बात बता रहे, छोटे से सेवक जी,
हम आपको आज बता रहे हैं, हमारी श्रीमती को कैंसर हो गया था, टाटा मेमोरियल ने मना कर दिया था, टाटा मेमोरियल जी गुरुदेव, कोकिलाबेन ने मना कर दिया था, ठीक है ना, भोपाल में लाल घाटी में कैंसर हॉस्पिटल, हाँ गुरुदेव चिरायु, उसमें हमारी बहन हमें राखी बांधती डॉक्टर विधि गुप्ता जी, सब ने मना कर दिया, लेकिन माता रानी की कृपा, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ इनको स्पर्श करके, एक बार इनसे कहा था कि माता बच्चे छोटे हैं, अगर ठीक समझो तो हमारी जोड़ी बनी रहे, इतना कहते ही माता की माला यहाँ से टूट के ऐसी गिर गई, रामायण में चौपाई है, भई प्रेम बस विकल भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, आज तक पता नहीं है कि वो कैंसर कहाँ गया, वो अच्छी भली है रोटियां बना रही हैं। तो ऐसी कृपा है भगवान की, भगवती की, मेरी बात मानो मेरे भाई, बिल्कुल गुरुदेव, सब जन से मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के, अपना धर्म छोड़ के फालतू जगह बेइज्जती कराने मत जाओ, कुछ मिलना नहीं है, लाल पीले चावल मिलेंगे, कुछ हासिल ना होगा, बिल्कुल गुरुदेव। और एक बात बताओ जी, आपके भाग्य में पिता की जायदाद ना हुई, नहीं हुई, शादी होने के बाद पत्नी का सुख नहीं है, नहीं है, टैलेंट होने के बाद पैसा नहीं है, बिल्कुल, दूसरों को करोड़पति अरबपति बना दिया, खुद रोडपति बने हुए हैं, बिल्कुल गारंटी, तो तुम्हें कोई मंदिर कुछ दे देगा, नहीं देता मालिक, जब उसने न दिया, बिल्कुल, दौड़ो कोस हजार तक बसे न लक्ष्मी पास, बिना दिए रघुनाथ के कुछ मिले न तुलसीदास, बिल्कुल, तो सच बात यह है, सब जन जागो और झंझटें त्यागो, बिल्कुल गुरुदेव, अपने अपने भगवान का भजन करो, जब हमारे भगवान हमको सब कुछ दे सकते हैं जी गुरुदेव, तो हमें किसी अन्य की कॉलोनी बिठाने की जरूरत क्या है, बिल्कुल नहीं, क्या जरूरत हम किसी और के यहाँ मत्था टेकने जाए, नहीं, नहीं, बिल्कुल गुरुदेव, भगवान से प्रार्थना करो, बात खत्म, उनको देना होगा दे देंगे, नहीं देना होगा तो तुम कहीं भटक लो जी, तो मुझे नारायण का भजन करें जी गुरुदेव, नारायण का भजन करें, किसी बात को किसी को बुरी लगी हो तो बुरा मत मानना, बात तो सही है, नहीं नहीं बिल्कुल सही है गुरुदेव, और सही बात थोड़ी किसी किसी को चुभ जाती है, नहीं, पर नहीं, सच बिल्कुल, बिल्कुल तो नारायण का भजन करें जी गुरुदेव, बाकी आनंद करें जी गुरुदेव, धन्यवाद, एक पर्ची, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या आप भी पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं? चिंता ना करें, हमारे गुरुदेव लाए हैं आपके लिए लक्ष्मी जी का दिव्य रहस्यमयी अर्चन, जिसके अलौकिक प्रभाव से अब तक लाखों लोग अपने आर्थिक संकटों से मुक्त होकर धनवान हो चुके हैं। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाएं। लक्ष्मी जी का चमत्कारी दरबार 5 और 6 अक्टूबर 2024 को कार्यस्थल कलाम कोटी गोबरा नवापारा राजिम रायपुर रोड छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। धन्यवाद।